जय, जय महाराज कृष्ण चंद्र की जय, जय महाराज कृष्ण चंद्र की जय, जय महाराज कृष्ण चंद्र। राम प्यारे, श्याम प्यारे, अब तुम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करो। जो आज्ञा महाराज। वाह सुंदर, अति सुंदर। तो महाराज, हम दोनों को दक्षिणा देकर जल्द से जल्द विदा कीजिए, हम लोग अपने घर वापस जाएं। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें कोई पुरस्कार और तनख्वाह दिया ही नहीं। अरे बाप रे, इतनी सी दक्षिणा के लिए ऐसे बोल रहे हैं? अगर मुहर मांग लेते तो न जाने आप क्या करते महाराज। धक्के मारकर राजसभा से बारी कर देते। हाँ अच्छा, ऐसा करेंगे? हाँ महाराज। तुम लोग अभी मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। तुम दोनों को मैं अपने राज्य में कभी भी देखना नहीं चाहता हूँ। दिखाई दिए तो मृत्यु दंड दे दूंगा। महाराज माफ कर दीजिए, हम दोनों से गलती हो गई है। महाराज माफ कर दीजिए, तुम लोगों की कोई बात नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। पहरी। आदेश महाराज। इसी वक्त इन दोनों को नगर से बाहर कर दिया जाए। पहरी। जो आज्ञा महाराज। नगर में इतना नाम, इतना शोहरत और अंत में जंगल में आकर गिरा। हाय 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 भाई, अब क्या करेंगे हम लोग? रोने धोने से कोई फायदा नहीं, इससे अच्छा शाम होने दो। शाम को छुपकर हम दोनों गोपाल से जाकर मुलाकात करेंगे। महाराज बहुत अच्छे मनुष्य हैं। तुम लोगों के छोटी हरकत के कारण महाराज तुम लोगों से गुस्सा हो गए हैं। सुनो, छोड़ो सब, जो हुआ हुआ। कल सुबह जब महाराज नगर के लिए निकलेंगे तब जाकर। क्या समझ गए मेरी बात? भैया आम कैसे दे रहे हो? 1 रुपए किलो। ठीक है, ये लो। महाराज वो देखिए, गाने बजाने वाले दोनों आपके आदेश को न मानते हुए अभी भी अपने नगर में घूमते नजर आ रहे हैं। जो आज्ञा महाराज। क्या हुआ पहरी, तुम दोनों को नगर से बाहर कर दिया था फिर भी तुम लोग इसी नगर में भ्रमण करते दिखाई दे रहे हो? हाँ क्या हुआ, अभी भी राज्य त्याग नहीं किए हो? महाराज आप हमारे अन्नदाता हो, हम लोग आपको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं महाराज? हाँ अब आप ही बताएं हम लोग कहाँ जाएंगे। हाँ महाराज, आपका राज्य इतना बड़ा है कि सारी रात घूमते रहे लेकिन आपके राज्य की सीमा को हम लोग पार नहीं कर सके महाराज। इसलिए मैंने सोचा कि राज्य की सीमा को न ढूंढते हुए सीधा आपके पास आ जाऊं। आप तो हमारे माता पिता समान हैं, सीने में जगह नहीं देंगे, चरणों में तो जरूर देंगे। ये जो बात तुम लोग बोल रहे हो, अपने मन से बोल रहे हो या किसी ने सिखाया है तुम्हें? गोपाल। अब समझा, ये गोपाल का ही किया कराया है। गोपाल अगर तुम लोगों से खुश है तो मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ तुम लोगों से? हाँ सच में गोपाल, आज तुम्हारी वजह से हम लोगों ने अपना खोया हुआ सम्मान वापस पा लिए। अरे पैरोट, कैसे हो तुम? दिखते नहीं हो आजकल तुम। हाँ क्या करूँ, कैसे आऊँ मैं जब मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ
तभी लूसी और टॉम फंदे बिछा के रखे रहते हैं। ठीक बोल रहे हो, उन लोगों को जब तक मैं सबक नहीं सिखा लूं, मुझे भी चैन नहीं। अब वापस चलते हैं टॉम, आंटी का घर वापस आने का टाइम हो चुका है। सच में यार, ये आंटी एक झमेला है, हमेशा ही धमकाती रहती है। इतना टाइम हो गया, अभी तक लूसी बाहर घूम रहा है। रुक, आने दे, मैं उसको सबक सिखा के रहूंगी आज। ए पुसी, लूसी कहाँ है, तुम बता सकते हो? क्या मैं बोलूं आंटी, जब तक वो नहीं रहता है तब तक ही चैन रहता है मुझे। क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूँ आंटी, पास के घर में जो पैरोट रहता है वो आता है ना हमारे घर पे, तो हमेशा लूसी उसको खाने के ही फेर में रहता है। क्या, उसकी इतनी बड़ी हिम्मत? हाँ? ओए बच्चे, इतने देर बाद आए हो, क्यों क्यों आज कोई चिड़िया नहीं मिला तुम्हें? मतलब समझ में आया, जरूर है लूसी का। नहीं नहीं वो आंटी, वो क्या है ना, मैं चिड़िया को बहुत पसंद करता हूँ। रहने दो रहने दो, और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, अब फटाफट घर का काम खत्म कर लो, समझे? आंटी को मेरी शिकायत करता है, तेरे सामने मैं उस चिड़िया को चबा चबा के खाऊंगा। तुम जो बोले हो पुची, अगर ये बात सच है तो मुझे चौकन्ना होकर रहना होगा। तुम ठीक बोल रहे हो पैरोट, लूसी पे एकदम विश्वास नहीं, मौका मिलते ही वो तुम्हें खा लेगा। हाँ सुन रहे हो ना टॉम, वो पुसी आंटी को बोल दिया है कि मौका मिलते ही हम लोग उस चिड़िया को खाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ करना होगा। जल्दबाजी में कोई काम मत करो, सोच समझ के करो, हमें सही समय पे कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है। पता है पुसी, कल लूसी का चमचा टॉम ना मेरे घर के सामने घूम रहा था। सच में? क्या, तब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वहाँ अच्छा कुत्ता है, गाड़ी में अपना पा गया। सर सर, नहीं नहीं मुझे छोड़ दीजिए, आपको गलतफहमी हो रहा है, मैं रास्ते पे का कुत्ता नहीं, पालतू हूँ, छोड़ दीजिए, मेरी प्रेस्टीज की बात है ना, छोड़ दीजिए सर। चुप, ज्यादा बातें मत कर। हाँ चुपचाप बैठा रहा है गाड़ी में। हाँ क्या पैरोट, क्या सोच रहे हो? अब लग रहा है लूसी चिड़िया छोड़कर चींटियां खाएगा। एक किसान था और उसकी पत्नी थी, वो लोग बहुत गरीब थे। एक दिन वो अपने खेतों में काम कर रहा था, उसी दिन अचानक ये क्या है, घड़ा? खोल कर देखो इसके अंदर क्या है। ये क्या, इतना मोहर? इतने दिन से हम बहुत गरीब थे और आज इतना मोहर मिल गया मुझे, अब हमारे दिन अच्छा गुजरेगा। लेकिन मेरी पत्नी, उससे तो कोई बात नहीं पचती, सबसे बोलेगी और राजा सुन लेगा, सब कुछ छीन लेगा, फिर से हम गरीब हो जाएंगे। अगर इसे बाहर रखूंगा तो कोई चोरी कर लेगा, और घर में रखूंगा तो
पत्नी सबको बोल देगी। क्या करूं? एक रास्ता है, जा रहा हूं वही करता हूं। बस काम हो गया। उधर जाल में खरगोश फंसा है। पानी में डाल दिया इसे, अब घर चलता हूँ। सुनती हो सुंदरी? वो सुंदरी क्या हुआ जी? जानती हो पंडित जी से एक बात सुना हूँ। क्या बात सुने हैं? आज पंडित जी बोले हैं, मछली लटकती है पेड़ पर, पानी में खरगोश नाचे, गुप्त धन मिलेगा तुम्हें ढूंढने से आस पास में। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सच में जो पंडित जी बोलते हैं सच होता है। जाइए जाइए, बकवास ना करके काम कीजिए। ठीक है, जा रहा हूँ। सुंदरी जल्दी चलो, एक खरा मुहर मिला है मुझे। क्या? चलिए चलिए, जल्दी चलिए चलिए। दोनों जल्दी जल्दी गए उस पेड़ के नीचे मोहर लाने। उसी वक्त अचानक, हाँ, उस पेड़ के डाल पर कुछ चमक रहा है। रुको देखता हूँ। ये क्या, पेड़ के डाल पर मछली? ये कैसे जी? आओ नदी में जाल डाला था, चल के देखते हैं। ये क्या, जाल में खरगोश? ऐसे कैसे? क्यों, पंडित जी की बातें विश्वास करोगी ना? लो लो अब चलो मोहर लेके घर चलते हैं। उसके बाद किसान और उसकी पत्नी मोहर लेके घर गए। कितना सारा मोहर, मैं बहुत ही महंगे महंगे कपड़े खरीदूंगी, गहना बनाऊंगी, रोज रोज मिठाई बिरयानी खाऊंगी। ज्यादा जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सब्र करो, धीरे धीरे सब होगा। लेकिन उस किसान की पत्नी के पेट में कोई बात नहीं पचता था। वो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दी मोहर के बारे में। धीरे धीरे राजा के कान तक भी पहुंच गया और राजा चासी को बुला के बोला, ये क्या महाराज, आप तो जानते हैं मेरी पत्नी का दिमाग ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ बकती रहती है। महाराज सुना हूँ कि तुम मोहर पाके छुपा के रखे हो और अपनी पत्नी को झूठी बोलते हो। कौन सा मोहर, कब मिला, कहाँ मिला, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता। उस दिन का बात, जब पेड़ के डाल पर मछली था और खरगोश पानी में फंसा जाल में, उस दिन का बात। इस पागल को लेकर घर जाओ, सुनो दोबारा कुछ उल्टा पुल्टा बोलोगे तो सजा दे दूंगा। उसके बाद किसान और उसकी पत्नी घर वापस चले गए। राजा की सजा के डर से किसान की पत्नी मोहर के बारे में किसी को नहीं बोली। वाह दा, चश्मा पहनने के बाद तुम तो दिखने में पहले से ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू डॉक्टर साहब, लेकिन इससे क्या मेरी दोनों आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी? हाँ ठीक हो जाएगी, चश्मा एक महीना लगाने के बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बेकरी से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, दिल खुश हो गया। लगता है सारे केक मुझे खाने के लिए अपने पास बुला रहे हैं। अंदर जाना ही पड़ेगा मुझे।
वाओ, मैंने जैसा सोचा था, यहाँ कितने सारे केक हैं। मैं एक केक चुपचाप उठा लेता हूँ। कौन है? कौन है? अरे, ये बेकरी का मालिक। रुक, उल्लू के पट्टे, रुक। ए, ए हलकड़ रुक। चम्मायला केक देके जाऊँ वरना। हलकट, उल्लू का पट्टा, कुत्रिया, तुझे मैं नहीं छोडूंगा। नहीं, नहीं, अब तो मुझे मेरे इस दुकान के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड रखना ही पड़ेगा। इस दुकान की देखभाल के लिए एक गार्ड चाहिए। अरे वाह, पैसा कमाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। सर जी, बाहर जो लिखा। समझ गया, समझ गया। तो तुम्हें दौड़ भाग करना आता है? तो आता है, आता है। सिर्फ दौड़ ही नहीं, मैं लॉन्ग जंप में भी चैंपियन हूँ। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो फिर तुम आज से ही काम पे लग जाओ। जैसा आप कहें सर। जाना पड़ेगा, फिर से मुझे एक बार बेकरी में जाना पड़ेगा। इन सबको खाए बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता। वाह, कोई नहीं है, मैं अंदर जाता हूँ। ये गेंडा भोदा है ना, जाके उसको पकड़ता हूँ। अब मैंने चोर को पकड़ लिया है। चोर? हाँ, यही है आपका असली चोर। ओ, तो तू केक चुरा रहा था? ये। आह, सच में कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। उफ, उस दिन बेकरी के मालिक ने या मार के पूरा पिछवाड़ा सुझा दिया था। अब ऊपर से उस चिरकुट मालिक ने हादा को गार्ड पर रखा है। लेकिन ये खुशबू तो मुझे अपनी तरफ ही बुला रही है। अंदर जाऊं? दर जो होगा देखा जाएगा, पहले अंदर तो जाऊं। ये चिरकुट हादा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे बड़े ध्यान से काम करना होगा, वरना उस हादा को पता लग जाएगा। नजर हटी दुर्घटना घटी। अरे, ये भोदा का बच्चा फिर आ गया। आज फिर इसे पकड़ना पड़ेगा। आराम से, आज फिर ध्यान रखना। मैं इसे पकड़ूंगा वरना हादा आ जाएगा। पकड़ना ही पड़ेगा, ये केक बहुत अच्छा है। पकड़ता हूँ तुझे। पकड़ में आ गया तू। छोड़, छोड़ मुझे आदा। हट। अरे अरे, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे अरे, मेरे चश्मा कहाँ गया? यही मौका है। लगता है इस चिरकुट को चश्मे के बिना कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं अब भागता हूँ। ये तो वही छोकरा है, हलकर फिर से केक लेकर भाग रहा है। ये मैं कहाँ हूँ? निकम्मा कहीं का। अरे 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 बाबरे, अरे बाबरे, अरे अरे। हादा, तू खाएगा पिटाई, मैं खाऊंगा केक और मिठाई।